हाथ से खाते होंगे ना? नहीं, हाथ से भी नहीं खाते। तो क्या पांव से खाते हैं? दिखा दो पगली, कैसे खाते हैं जरा बताओ इनको। ये बैग में क्या है बे? अग्रवाल गारमेंट्स, उन्होंने पेमेंट भेजा सेठ जी। क्या बात कर रहा है मेरी बेटी? जो बैग इस वक्त तेरे हाथ में है। हमारे हाथ में बैग है ये आपको कैसे पता? क्योंकि उस बैग में बम मैंने ही रखा है। ये बैग में है ना, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। अभी आप मेरे लिए गिफ्ट लाई है? अबे ये बैग खोल के तो देख। ये भाभी जी, ये क्या जलवा था? जब भी डफली सुनते हैं ना तो कुछ हो जाता है हमको। डफर डफली बजा। अगली बार ई ढिच ना हम बार बार बनाएंगे। डिश नहीं डिश होता बगली। सही पकड़े हैं। तो चलो फिर लगे हाथों, अपने हाथों से खिला दो। दाल मूट और चाय। बेटा पियो चाय। अरे अरे नाचो ना। जब अपने आप अच्छा डबली बजता है तो हमारे पैर थिरकने लगते हैं। कछु तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है पगली, चलो एक बार और चलो। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? या? तूने अंगूरी के सामने डफली बजाई? क्या नाचे है भाभी जी, मजा आ गया। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अंगूरी के सामने डफली बजाई तो फिर वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। बाबू दीदी डफली मत बजाओ, मत बजाओ। डफली बजाते हैं कि आपका डफली बजा दें? शुरू कीजिए। हाँ ये खड़े खड़े मुंह क्या देंगे बाबू? डफली वाले डफली बजा। भैया आप डफली बजाते हैं या मैं आपकी गर्दन को डफली बना के इस चाकू से उस डफली को बजाऊं? आए मुठे, जरा से भिलने की कोशिश की हम तेरी खपड़िया हेलमेट समेत उड़ा देंगे। लोग कौन हैं और का बेचने आए हैं? हाँ नहीं फिलहाल तीस यार, इससे ज़्यादा क्या लगेंगे? ऑब्वियस डाकू लग रहे हैं यार, कम ऑन। हम डाकू हैं, हम डाकू हैं। देखो 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 डाकू भाई ये मेरे दामाद कच्चा बनियान का घर है। इस घर में तुम्हें सिवाय कच्चे बनियान को कुछ नहीं मिलेगा, ढूंढ लो चाहे तो ढूंढ लो। बुढ़ाओ कुत्ते कमीने लीचड़ न लो। चुप करो। हाँ एक ठो और गाली दिया ना हमरे डैडू को तो हमसे बुरा कोई ना ही होगा। अब बोलो का चाहिए, का चाहिए तुमको? हमें तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। बोले हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए।
हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये बड़ा हमारी डफली पर नाचे। हाय दिया! नहीं नहीं मैं नहीं नाचूंगी, नहीं ना, मैं नहीं नाचूंगा, मैं नहीं। चुप! अगर तू नहीं नाची तो हम तेरी मोटी चमड़ी तेरे जिस्म से खुरच खुरच कर उतार देंगे। हाय दिया, लेकिन आपके पास चाकू तो है ना ही। भाभी जी डम क्यों है यार? नाच नाच। हाँ नाचिए। मैं नाच। नहीं, तुम नहीं नाचोगी। हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारी डफली में कोई औरत नाचे। अगर आप हमारे डैडू को नचाएंगे डफली पर तो ऊ नहीं, उनकी जगह हम नाचेंगे। हम नहीं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ना तुम नाचोगी ना डैडू नाचेगा, और हम अब इस टफली को फोड़ देंगे। हाँ, अब ना टफली रहेगी ना नाच का ना। हमारा एक कच्छे बनियान का पार्सल है, उसे जो है आपको वो डूमरगढ़ है ना जगह, वहां पहुंचाना है। उजरा डूमरगढ़ पहुंचा दीजिए ना। आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं, इतने प्यार से कह रही तो मैं चला जाऊंगा। कोई चाय वाला नहीं स्टेशन पे? तुम इतनो कड़वो कड़वो काय बोल रही? अरे हम नहीं कड़वो बोल रहे, ठीक है? जो सच है जो कड़वो सुनाई दे रहे हो तुम्हें। एक बात कान खोल के सुन लो, तुमने वादा करो हमसे कि तुम जन्मदिन हमारा मनाओ, ठीक है? और पार्टी होएगी, बस हम कह रहे। मम्मी पापा ना कल पार्टी देने की बात कर रहे थे। अच्छा, तो जे बात है? जे बात है। ससुर की जे इज्जत रखी है बहू ने? जे इज्जत रखी है। परसी के दिन ही पार्टी? परसी के दिन ही पार्टी। हम वो देखा थे, जे पार्टी कैसे होते। हम ना एक नई डायरी बनाते हैं, तू बोलना और मैं लिखूंगी उन सारे हसीन पलों के बारे में जो तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए। मिश्री को इस वक्त सिर्फ तुम बचा सकते हो। मैं कैसे बचा सकता हूँ? मिश्री के अंदर और तुम्हारे अंदर जो खून बह रहा है वो एक ही है। मैं कुछ समझा नहीं। जिस बच्ची को तुम्हारे खून की जरूरत है और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। विक्रम बेताल में अगले सप्ताह देखिए। रमेश जी, मैं सूर्य देव तक पहुंचने का मार्ग बताइए। महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में माता नर्मदा सूर्य देव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करती है। यदि आप किसी प्रकार माता नर्मदा से पूर्व सूर्य देव के समक्ष जल अर्पित करें तो यह संभव कार्य संभव हो सकता है। आज आपने हमें प्रथम जल अर्पित किया है, कहिए
हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपने धर्म के पालन के लिए आपके जीवनदायी कुंडल चाहिए। वीर कर्ण के ये कुंडल धारण करना किसी के लिए संभव नहीं। क्या सम्राट विक्रमादित्य अपना राज धर्म पूर्ण करने हेतु क्या दे पाएगा मृत को जीवन दान? महाराज,